नमस्कार, आदाब, सलाम, प्रणाम। मैं मोहम्मद इरफान, आप देख रहे हैं तिरछी आंख न्यूज। अभी हम नगर निगम मुंगेर पहुंचे हुए हैं। वार्ड नंबर 13 में आए हुए हैं। हम ऐसा एक प्रत्याशी से बातचीत करवाएंगे, अभी वो डिप्टी मेयर के लिए मैदाने जंग में उतर गए। इनसे भी बातचीत होगी, क्या बातचीत, किस लिए उतरे, इनसे भी चर्चा करेंगे। चलिए, तिरछी आंख में आपका स्वागत है भाई। पहले तो मेरी तरफ से बहुत ही शुभकामनाएं कि 2024 का जो चुनाव होने वाला है वो अपडेट हुआ। पहली बात यह है कि अब जनता अपने इसको चुन सकती है, अपने मेयर, डिप्टी मेयर को डायरेक्ट जनता चुनेगी। अब पहले वाला मामला नहीं रहा, गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा अच्छा काम किया कि डायरेक्ट जनता अपने मेयर को चुन सकती है। अब जनता के हिसाब से मेयर बनेगा, जनता के हिसाब से काम होगा। अच्छा, ये बताइए खालिद भाई, नवाज भाई, कि आप किस उद्देश्य पे, किस लिए खड़े हो रहे हैं, इसके बारे में बताइए। मामला कुछ खास नहीं है, मामला जो बेसिक पॉइंट है कि बेसिक पॉइंट ये है कि जो काम चल रहा है मुंगेर में, आप मुंगेर के बगल शहर में चल रही है, बेगूसराय मुंगेर के बापा जिला है, ठीक है, लखीसराय सब डेवलप पे है। क्योंकि वहाँ पर अच्छी तरीके से वहाँ के जो नेता बना उसने अपने जिला के लिए काम किया। यहाँ पर MP MLA यहाँ तक कि मेयर भी जो बनता है तो हर के लिए कुछ सोचना ही नहीं है कि अपना इतना पैसा खर्च कर देना है ताकि वहाँ पर मशीन लगा हुआ है, नगर निगम जाना है, वहाँ से पैसा निकाल लेना, तो काम विकास करने का कोई सोचता नहीं, समझे ना, विकास का काम कोई सोचता नहीं। उसके बाद ये है कि मुद्दा यह है कि सफाई हो रही है, लेकिन जिस हिसाब से मुंगेर इस सफाई के मामले में जाना जाता था वैसे सफाई मुंगेर में नहीं है। अभी देखिए, गवर्नमेंट के द्वारा जो पाइपलाइन का काम चल रहा है, चलिए ठीक है, उन्नति का काम हो रहा है, शहर विकास करेगा, लेकिन उसका दूसरा व्यवस्था ये बनना चाहिए, जहाँ तहाँ गड्ढा खोद दिया उसका, गवर्नमेंट का जो टेंडर वाला है ठेकेदार सो गया, गवर्नमेंट को उस पर जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि आपने गड्ढा अगर किया है तो गड्ढे को पूर्ण रूप से सही तरीके से बंद कीजिए। अभी लोग क्या है कि नहीं, अभी देखिए जो VIP एरिया है हमारा किला अंदर, वहाँ पर SDO साहब के सामने में जो गड्ढा हुआ है उनके मकान के सामने में, वहाँ पर जज साहब का गाड़ी घुस गया, तो VIP एरिया है, उनका तो काम हो भी जाएगा। और जो लोकल जो लोग हैं, हर रोड टूटा हुआ, हर बैग जो VIP लोग है उसका बन भी जाएगा, रोड बन जाएगा तो ठीक है, लेकिन जो आम पब्लिक है उसका रोड बनाने के लिए तो वो आएगा नहीं। आए दिन दुर्घटना हो रहा, बूढ़ा बुजुर्ग गिर रहा, हाथ पैर टूटा, इसके लिए सोचना चाहिए नगर निगम के लोगों को। अच्छा, 5 साल में मेयर कौन कौन काम किए, क्या विकास किए, इसके बारे में बताइए। वो तो हमको सोचना, हमको ही पड़ रहा है ये बात, इसीलिए तो ये सब सोच के हम बोले कि ना पॉलिटिक्स करना, राजनीति करना जरूरी है, इसीलिए मैं आप डिप्टी मेयर में खड़ा होना चाह रहे हैं। बस अपने हिसाब से काम करना, जनता के हिसाब से काम करना हो, इसलिए सजेशन भी हुआ लोगों का, अपने दोस्तों में बात किए। अब पापा भी मेरे फील्ड वर्क करते हैं, सामाजिक लोग हैं, नेतागिरी करते हैं। आप डिप्टी में जो खड़ा हुए हैं जनता के सहयोग से खड़ा हुए हैं क्या? हाँ, उन सहयोग है मेरे को, अपने पहले जनता का बैठक करवाए थे, अपने लोगों का बातचीत हो गया था पहले, तो सब लोग का अपने लोगों का बात हुआ कि नहीं चुनाव लड़ना चाहिए। पापा तो मैं सब दिन चुनाव किए हैं, लड़े हैं, समाज में रहे हैं, राजनीति किए हैं, तुमको भी आगे आना चाहिए, अब युवा का दौर है। हाँ, युवा का दौर है, युवा का दौर है, इसलिए पढ़े लिखे हो, युवा हो, टॉप फ्रंट पे। लॉकडाउन में भी हम लोगों ने काम किया, अपने ग्रुप को मिला के, मेरे ग्रुप का जितना लड़का था सब मिला के अपना जितना सहयोग किए लोगों को, सहयोग किया हम लोगों ने। अच्छा, ये बताइए नवाज भाई कि आप जब किस उद्देश्य पे, किस मुद्दे पे जनता के बीच जा रहे हैं? बेसिक मुद्दा ये है कि मुंगेर मेरा जो जिला है इसका टाउन ओवर जो है ना, मेन जो बेसिक बाजार है वो खास नहीं है, और गवर्नमेंट उस पर दिमाग नहीं लगा रहा। हम उसको PPA में लाना चाहते हैं कि अगर ये मेरी प्रॉपर्टी है तो इसमें आपका ही हक होना, जिसकी प्रॉपर्टी उसको हक होना चाहिए। गवर्नमेंट खास माल सब जगह खत्म हो गया, मुंगेर को अटकाया हुआ, थोड़ा बहुत सर पटना होगा, बाद बाकी मुंगेर को अटकाया हुआ। हमारा टारगेट ये भी है कि खास महल ज़्यादा मुद्दा रखता है, क्योंकि जो शहर है मुंगेर शहर, ये
प्रॉपर्टी खास महल में ज़्यादातर है और लोग बसे हुए इसको पीपीए कर देना चाहिए गवर्नमेंट को अब, लेकिन गवर्नमेंट का इधर कुछ रुझान ही नहीं है। अपना बेसिक मुद्दा यही है। अच्छा, एक मुद्दा और हम देख रहे हैं, हम जब मुंगेर घूमते हैं तो शौचालय नहीं है और न पार्किंग, गाड़ी लगने का पार्किंग है। हाँ। फिर सब्जी मंडी भी देख रहे हैं तहस नहस, इधर उधर भटक रहा कर रहा। जब आप जनता मालिक आपको अगर सहयोग देती जितने का, तो आपका इन तीनों पर क्या विचार होगा? हाँ, ये पहले बात तो ये कहने जाएंगे हम, तो पार्किंग का बात किया आप, ये बहुत ही अच्छी बात है कि शहर में पार्किंग जरूरी है। जिस तरह से हेलमेट के लिए प्रशासन खोज रहा है, पार्किंग के लिए प्रशासन को जगह बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि लोग जो आवाज, क्योंकि मुंगेर शहर छोटा शहर है, मेरा शहर अब बहुत अच्छा मॉडल बना हुआ है इसका, इसमें जाम नहीं, लेकिन रोड इसमें इतना है कि हर रोड को यूज़ नहीं कर पा रही गवर्नमेंट को, यूज़ नहीं कर पा रही। उस हिसाब से जिस हिसाब से ये है कि देखिए अभी टोटो वगैरह बढ़ा है शहर में, तो लोग शहर का विकास हुआ है, जितनी आगे बगल भी बढ़ेगी शहर का विकास होगा, कितने लोग आएंगे जाएंगे, तो उसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए गवर्नमेंट को। अब क्या है कि जहाँ पर पार्किंग का व्यवस्था नहीं है तो जाम लगेगा ही। अगर आप किसी दुकानदार के दुकान में सामान लाने के लिए गए अपने गाड़ी से, तो गाड़ी जाहिर है दुकानदार के वहाँ पर लगाई जाए, रोड पर लगाना जाहिर है, तो उसकी व्यवस्था पहले गवर्नमेंट को करनी चाहिए। हर हाँ बात सब्जी वालों का, सब्जी समुदाय से तो हम भी आते हैं। जी जी जी, ठीक है। आप पहली बात यह है कि गवर्नमेंट सबको उखाड़ने का काम करती है। अभी शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है, हमारा कहना बस यही है आप हटाइए अतिक्रमण। अच्छी बात, पहले तो बसाइए तब हटाइए। अच्छी बात, आप हटा रहे हैं अतिक्रमण, होना भी नहीं चाहिए। देखिए आप बेसिक जगह तो दीजिएगा लोगों को, बस उजाड़ दीजिएगा कि कोनो विदेश आया हुआ लोग है, इसी धरती पे जन्म लिया है, इसी भी पला बड़ा है। हर इंसान तो गवर्नमेंट नौकरी करने रहा, पढ़ लिख के भी लोग यही काम कर रहा है, जो जिस काम से जुड़ा हुआ, हम जिस समाज से आते हैं उस समाज से पढ़ लिख के लोग भी यही काम ज़्यादातर पसंद करता है। इसके लिए जगह तो चाहिए ना। एक राजा बाजार हम लोगों के यहाँ है जो बहुत पहले से है, हम पापा लोग बहुत पहले 60-70 साल पुराना बाजार है, उस बाजार में एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है, आबादी बढ़ा है, तो उसके लिए गवर्नमेंट उस जमाने में राजा साहब ने सोचा था कि राजा बाजार उन्होंने दिया, राजा साहब ने राजा बाजार दिया, तो अभी गवर्नमेंट को चाहिए। अभी गवर्नमेंट के प्रति काम होता है, गवर्नमेंट के थ्रू सब काम होता है, तो अभी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके लिए कुछ जगह मुहैया कराया जाए। अभी उठा के सफियाबाद फेंक दिया, अब सफियाबाद शहर के लूप लाइन में आ गया, सफियाबाद तो भेजा बस, मगर यहाँ सब दुकानदार रो रहा है। बस यही बात है, सब दुकानदार जब बातचीत किए हम, किसी का 1 लाख, कोई 5 लाख, 10 लाख, सब कर्जा गिर गया, बस ग्राहक नहीं पहुंच पाता। यही प्रॉब्लम है कि वहाँ पर जो बाजार चल गया है, शिफ्टिंग बहुत गलत हो गया, लोगों का पैसा पहले से जो अड़तिया थे, जो अड़ती थे उनका पैसा पहले फंसा, जो दुकानदारी कर रहे थे उनका पैसा पहले मार्केट में था, और जब वो वहाँ गए उनको नया पूंजी लगाना पड़ रहा है, पैसा पहले का पैसा उनका पेंडिंग हो गया, ये पैसा कौन एडजस्ट करेगा? और शहर का बाजार शहर में रह जाता, शहर में जगह कमी नहीं है, गवर्नमेंट के पास जगह कमी नहीं है, और जगह मेरे दिमाग में है अगर इस पद पर हम जाते हैं तो जगह हम निकाल के दे देंगे आराम से, कि जगह टारगेट में है, टारगेट लिए हुए हैं कि कहाँ पर बसाना है, कि लोगों को कहाँ, अपने लोगों को कहाँ बसाना है, कि जगह एकदम शहर में है, शहर के बाहर जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, समझे ना, शहर के बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, शहर में इतनी जगह है। अब मुंगेर शहर में इतना जगह है कि शहर के लोगों को सब्जी मंडी इतना से खुल सकता है और स्वरोजगार आराम से लोग कर सकता है, इसकी पहले व्यवस्था कर दे गवर्नमेंट तो अतिक्रमण। और हर शहर में बेसिकली बात यह है कि टाली लगता ही लगता है, इसमें लॉजिक नहीं है। बड़े बड़े शहर में मैं गया हूँ, मैं अपने कारोबार के सिलसिले में नासिक भी गया, भावनगर गया, पटना, दिल्ली, सब ये देखिए, हाँ देखें कि हर जगह पॉइंट की हुई है क्या ना, जहाँ मार्केट वहाँ रोड पे आदमी बेचता ही सामान है, तब गेदनिंग भी लगता है, बाजार में बाजार खूबसूरत भी लगता है। जब तक दुल्हन को सजाया नहीं जाना है तो दुल्हन दुल्हन नहीं लगती है, इससे बाजार की सजावट है, ये फुटपाथ सजावट, सजावट है बाजार का, जिस दिन लगता है उस दिन लगता है कि कोई साफ हो गया, पता कोई मर गया, लगता है कि विधवा हो गई है। बात है कि आपका टारगेट है कि बसाना है लोगों को, शहर में ही बसाना चाहिए, शहर के लोग। शौचालय पर क्या बोलते हैं? शौचालय तो कहीं नहीं है। शौचालय का बात ये रहा कि शौचालय भी शहर, मुंगेर शहर इतना बड़ा है, शौचालय मात्र 3 शौचालय है, एक आपके बस स्टैंड में है, एक सरकारी बस स्टैंड किला अंदर में है, एक हॉस्पिटल रोड में, तीनों तो सरकारी योजना पर है। बेसिक बात यह है, लेकिन बेसिक बात यह है इसमें कि शौचालय कम से कम है ना, दो नंबर एक की संख्या, हर वार्ड में शौचालय होना चाहिए। मेरा कहना यह है कि हर वार्ड में तो शौचालय होना ही चाहिए, उन्नति करेगी, लेकिन बात यह है, बेसिक बात यह है कि शहर में अगर हम जेंट्स हैं तो हम लोगों को टेंशन नहीं होता है, जहाँ हुआ गंगा जल बहा दिया,
जी है, हम लोगों के अंदर समाज यही है कि जेंट्स कहीं भी कर लेता है, लेडीज बस महिला का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सरकार को महिला के प्रति सुनना चाहिए कि हर एक मीटर नहीं तो 500 मीटर पे है ना, कम से कम 500 मीटर पे ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि महिला कम से कम ना अपना अपना बाथरूम आराम से कर ले ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो। ये जरूरी बेसिक बात यह है कि जेंट्स का क्या है कि जेंट्स बेचारे कहीं भी कर लेते हैं, महिला की मजबूरी है, वह घर से निकली है, 2-3 घंटा का मामला है, मार्केट करना है तो उसको परेशानी हो जाता है कि चला हम अब कैसे करें मार्केट में, परेशानी बहुत जल्दी में बेचारे को घर जाना है, घर चल गई मार्केट में हो पाया फिर दूसरे दिन वही परेशानी लेकर आ रही है। सिर्फ बेसिक बात यह है कि महिला के प्रति गवर्नमेंट को सुनना चाहिए, महिला के लिए शौचालय होना चाहिए, उसको बाथरूम लग गया तो कहाँ जाएगी। अगर आपको जनता मालिक आपको वोट देती है जिता देती है तो पहला क्या आ रहा है? यही सब मुद्दा है, मुद्दा ही रहेगा। यही सब मेरा बेसिक बात यही है कि हम बहुत कुछ देखे हैं ना, क्योंकि हम पीजी किए हैं डीजे कॉलेज से, हम बहुत कुछ देखे हैं इस दरमियान बफे में, 8 साल बीता है मेरे डीजे कॉलेज में, इस दरमियान बहुत लोगों से भेंट हुआ, बहुत सर्किल बना। जब क्षेत्र आप जाते हैं जनता से मिलते हैं तो जनता क्या शिकायत करती है? जनता का शिकायत ये होता है बाबू की करिए वोट दे दे छे, कोई खबर नहीं आवे छे, कोई काम नहीं आवे छे, जिस लोग से जानते हैं बात और होता है क्या, एकदम जनता को देखता है एकदम क्या बोलते हैं उसको, ललक से देखता है, मायूसी से देखता है अपने कैंडिडेट की तरफ कि ये आया है कोई भला कर देगा, लेकिन भला करने का काम कोई नहीं करता। अपना टारगेट यही है कि हम बहुत, मेरा जो कारोबार है तो मेरा कारोबार तो कच्चा लाइन का ही है, तो उसी हिसाब से हम सोचते हैं कि जो हिसाब से हम हैं मेरे लोगों का इस तरह भला होना चाहिए और शहर का डेवलप होना चाहिए, क्या नहीं सब तबके का जब डेवलपमेंट होता है तो शहर, जब आपके घर में 5 फैमिली है तो 5 भाई अगर उन्नति की जाएगा तो लगेगा घर संपन्न हो गया, 4 भाई उन्नति कर जाएगा, 1 भाई नहीं करेगा तो समाज का लोग भी बोलेगा कुंजी जो तो 4 भाई तरक्की कर गया 1 भाई वो नहीं देखता। इसी हम चाहते हैं कि मेरे समाज के सब बड़ के लोग डेवलप करें, सब लोग बड़ के लोगों को बराबर मामला बने सबके लिए मामला। अच्छा जनता मालिक को क्या संदेश देना चाहते हैं, कैसा प्रत्याशी चाहिए कि कैसा ढंग का चाहिए, दारू पीने वाला काम करने वाला, कैसा संदेश दीजिए जनता मालिक को जो अच्छा काम करने वाले को वोट दें? बस यही कहने जाएंगे हम जनता से, जनता जनार्दन है, जनता कैसे एक लाइन का बात यह है आप सेवक चुनिए स्वामी नहीं, पर जितने बात है ये आप अगर सेवक चुनिए आप तो सेवा करेगा, बात है कि वोट आपको आपके अधिकार को जगाता है, 5 साल में एक टाइम ऐसा आता है कि आप अपने मत का दान करते हो, मत को दान कीजिए ताकि अच्छे कैंडिडेट को लगे कि नहीं बच्चा अच्छा है, बच्चे को वोट देना चाहिए, फिर मेरा भला हो सकता है, कुछ समाज का भला हो सकता है, कुछ शहर का भला हो सकता है, तो जनता वोट दे। जनता से यही विनती करूँगा मैं कि सेवक बन के काम करूँगा, स्वयं बनने का काम नहीं है मेरा, चूँकि बहुत बड़ा पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ मैं भी युवा हूँ, मेरे पापा ने पॉलिटिक्स किया है, मैं अभी सामाजिक कार्य कर रहा हूँ, पहला राजनीति चुनाव लड़ूंगा, मैं राजनीति मैदान में आया हूँ, यहाँ पर राजनीति नहीं सामाजिक कार्य करने के लिए मैं इस जगह पे जाना चाहता हूँ, प्लेटफॉर्म ज़रूरी है कुछ काम करने के लिए, प्लेटफॉर्म जो हम जैसे लोगों को, क्योंकि हम राजे रजवाड़े के फैमिली से नहीं आते, हम लोग को प्लेटफॉर्म मिलेगा तो हम लोग काम करेंगे।